everyone. In this lecture, we'll be talking about the concept of gift under Muslim law. जो गिफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है मुस्लिम लॉ में, उसे हिबा कहा जाता है. हिबा इज़ एक्चुअली एक अरबिक वर्ड है, जिसको अगर आप लिटरल ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब गिफ्ट ही होता है. इससे पहले कि हम गिफ्ट को डिस्कस करें या हिबा को डिस्कस करें, मुस्लिम लॉ के अंडर किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी किसी और को बेसिकली तीन तरीके से जा सकती है. एक है गिफ्ट, एक है विल और तीसरा है इनहेरिटेंस. जब हम गिफ्ट की बात करते हैं, जो कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गिफ्ट की, तो एक इंसान अपने पूरी लाइफ में अगर वो चाहे तो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसी भी इंसान को गिफ्ट में दे सकता है. किसी भी इंसान को, मतलब चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो उनका हेयर हो, नॉन हेयर हो, कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन हो, किसी को भी अगर वो चाहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकता है, अपनी लाइफ में कभी भी. क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंडर एक इंसान, एक इंडिविजुअल जो है, वो अपनी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर होता है. जब तक वो ज़िंदा होते हैं तब तक उनकी प्रॉपर्टी पे उनके अलावा किसी और का हक नहीं होता. जब हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो हिंदू लॉ में हम दो कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा, एक है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी और एक है सेपरेट प्रॉपर्टी. कोपार्सनरी प्रॉपर्टी या फिर आपकी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे आपके अलावा, आपके साथ आपकी जो बाकी कोपार्सनर्स होते हैं, जो कि आपकी फैमिली में या तो बर्थ से जुड़ते हैं या अडॉप्शन से जुड़ते हैं, जिसमें बेटा बेटी, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या अडॉप्टेड हो, उन सब का राइट होता है बाय बर्थ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, जिसमें अगर किसी और कोपार्सनर का भी हक है, वो आप किसी और को नहीं दे सकते बिना उनकी मर्जी के, क्योंकि उनका बाय बर्थ उसमें राइट होता है. बट मुस्लिम लॉ बाय बर्थ राइट को रिकग्नाइज नहीं करता है. तो अगर कोई फादर हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है जो शायद उनको उनके फादर से मिली हो इनहेरिटेंस में, या फिर उनकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी हो, जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब तक वो एब्सोल्यूट ओनर होते हैं उस प्रॉपर्टी में. उनके बच्चों का उस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होता है, तो वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हैं. और इसी को गिफ्ट जो है, इसी को हिबा कहा जाता है. अब ये जो कॉन्सेप्ट है हिबा का या गिफ्ट का, ये मुस्लिम लॉ में क्या ये कॉन्सेप्ट बाकी जो नॉन मुस्लिम लॉज हैं, क्या उनसे अलग है? स्पेशली जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके अंदर जो चैप्टर 7 है जो कि गिफ्ट की बात करता है, तो क्या वो वहाँ पे जो गिफ्ट को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, या जो असेंशियल कंडीशंस लेड डाउन की गई हैं, या जिस तरीके से गिफ्ट से रिलेटेड प्रोसीजर्स दिए गए हैं, वो और हिबा, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये इस पे हम बात करेंगे. पर पहले इन पे बात करने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि जो हिबा है वो क्या है, तभी आप उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कंपेयर कर पाएंगे. ओके, तो उसके लिए मैंने दो डेफिनेशंस यूज़ की हैं. ठीक है, पहली डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे तो कुछ कीवर्ड्स को मैंने रेड से हाईलाइट किया है. आप जब भी लॉ पढ़ते हैं या किसी भी एक्ट को, आप किसी भी कानून को आप पढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसमें जो लिखे हुए शब्द हैं या जिसको हम कीवर्ड्स कहते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू रीड दो कीवर्ड्स केयरफुल. या फिर आप जब भी किसी कानून को पढ़ते हैं या किसी लॉ को पढ़ते हैं, आप इस तरीके से उसको पढ़िए कि आप एक एक वर्ड को पढ़ें कि वो कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है.
उस वर्ड का क्या मतलब होता है। अगर आप इस तरीके से कानून को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से क्या लिखा गया है, कौन सा प्रोविजन है, वो आपको बड़ी ही आसानी से समझ आ जाएगा। इसी टेक्निक को मैं अपने लेक्चर्स में मैं यूज़ करने वाली हूँ कि जब भी हम किसी कानून के ऊपर बात करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और उन शब्दों को हम डिकोड करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोविजन कहता गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम हिबा की दो डेफिनेशंस को मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप पहली डेफिनेशन को देखेंगे तो उसमें लिखा है दैट हिबा इज एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अनकंडीशनल, द वर्ड हियर इज अनकंडीशनल, ठीक है। अब ये जो वर्ड है अनकंडीशनल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं बट आपने उसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगाई है, ठीक है। अगर आपने कंडीशन लगा दी तो वो हिबा नहीं है, वो गिफ्ट नहीं है। तो आप किसी को भी कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं और वो प्रॉपर्टी बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी इफ और बट के आप वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो ही वो प्रॉपर्टी या फिर वो जो ट्रांसफर है वो हिबा कहलाएगा। पहली कंडीशन है कि वो अनकंडीशनल होता है, बिना किसी शर्त के आपने वो प्रॉपर्टी किसी और को दी है। अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि जब कोई इंसान, कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, किसी और को बिना किसी कंडीशन के ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पे जो वर्ड है वो है ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब क्या है कि जो इंसान उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है किसी और को, वो इंसान उस प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है। इसका मतलब ही ओन्स दैट प्रॉपर्टी, ही इज एन एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इफ ही और शी इज नॉट द एब्सोल्यूट ओनर, दैट मीन्स ही डज नॉट हैव द राइट ऑफ ओनरशिप ऑन दैट प्रॉपर्टी। एंड स्टिल इफ ही ट्रांसफर्स दैट प्रॉपर्टी टू सम अदर पर्सन, देन दैट ट्रांसफर विल नॉट बी गिफ्ट। तो सेकेंड कंडीशन इज कि आप जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हो, आप उसके ओनर होने चाहिए। अगर आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं तो फिर वो जो ट्रांसफर आप कर रहे हैं वो हिबा नहीं कहलाएगा, वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा। इन एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं बट उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। कहने का मतलब जिस टाइम पे आप वो गिफ्ट दे रहे हैं किसी और को, उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी आपके पास है, आप उसके ओनर हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान ये कहता है कि मैं आपको एक, अपने एक फ्रेंड को, एक्स को एक प्रॉपर्टी देने वाला हूँ जो मुझे फ्यूचर में मिलेगी। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो फ्यूचर में मिलेगी, वो अभी आपके पास नहीं है। तो प्रेजेंट में अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है और ऐसी प्रॉपर्टी पे आप गिफ्ट बनाते हैं तो वो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। सो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग वर्ड है, दैट मीन्स एट प्रेजेंट यू शुड हैव दैट प्रॉपर्टी विद यू, अभी फ़िलहाल आपके पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगेन द वर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्ड के आगे कोई एडजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, मूवेबल भी इमूवेबल भी, टेंजिबल भी इनटेंजिबल भी। मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आप गाड़ी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी? लैंड हो गया, घर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? ये इमूवेबल है। तो आप चाहे मूवेबल भी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं, इमूवेबल भी प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। तो गिफ्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमूवेबल दे सकते हैं या मूवेबल दे सकते हैं। ऑल्सो प्रॉपर्टी कैन बी टेंजिबल, प्रॉपर्टी कैन बी इनटेंजिबल। टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब दोज प्रॉपर्टीज विच यू कैन टच एंड फील, ओके, एंड इनटेंजिबल दोज प्रॉपर्टीज दैट यू ओन बट यू कैन नॉट एक्चुअली टच देम और यू कैन फील। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, ओके, कॉपी राइट, दीज आर योर प्रॉपर्टीज बट यू कैन नॉट एक्चुअली टच और फील देम, ओके। तो
गिफ्ट जो है मुस्लिम लॉ के अंडर, उसमें आप किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को किसी को दे सकते हैं. मेड इमीडिएटली, द वर्ड इज इमीडिएटली, कहने का मतलब कि आप जब किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है, वो आपको जो ट्रांसफ़र है, वो जो पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का, वो आपको इमीडिएटली देना पड़ेगा. मान लीजिए किसी इंसान ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया बट पोजेशन नहीं दिया, ठीक है, किसी इंसान एक्स ने किसी इंसान वाई को अपनी प्रॉपर्टी दी है, कोई भी प्रॉपर्टी दी है, पर उसको ओनरशिप, उसको सॉरी पोजेशन नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपने एक असेंशियल कंडीशन जो है गिफ्ट की, दैट मींस जिसमें कि आपको डिलीवरी जो है ऑफ प्रॉपर्टी और पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वो आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो वो जो गिफ्ट है दैट वुड नॉट बी अ वैलिड गिफ्ट एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन. कि जब भी आप किसी को कोई गिफ्ट देंगे तो वो जो गिफ्ट है आप किसी बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ना कोई मटेरियलिस्टिक गेन, या मटेरियलिस्टिक मतलब बदले में पैसा आप मिल रहे हैं, आप किसी को घर दे रहे हैं बट और बदले में अगर आप उससे पैसा ले रहे हैं, चाहे उस पैसे का कितना भी अमाउंट हो, छोटा अमाउंट है बड़ा, वो इररिलेवेंट है, आप कंसिडरेशन ले ही नहीं सकते. अगर आपने बदले में कोई भी कंसिडरेशन लिया है, कोई भी बेनिफिट लिया है बदले में, तो वो गिफ्ट नहीं होता है. तो अगर हम इस डेफिनेशन को देखें हिबा की, तो इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आते हैं. पहली कि हिबा या गिफ्ट मुस्लिम लॉ के अंदर वो ट्रांसफ़र है किसी भी प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो कि इमीडिएटली होता है और बिना किसी कंसिडरेशन के होता है, ठीक है. सो अंडर अ गिफ्ट इन मुस्लिम लॉ, यू ट्रांसफर एनी ऑफ योर प्रॉपर्टी, ओके, ऑफ विच यू आर एन एब्सोल्यूट ओनर टू समबडी एल्स, बट विदाउट एनी कंसिडरेशन, यू डू नॉट टेक एनीथिंग बैक, एंड ऑल्सो यू गिव द पोजेशन इमीडिएटली. Now, if you also look at the second definition, which also says that hiba is the immediate and unqualified transfer of the corpus of the property without any return. To gift kya hai? Gift hai immediate and unqualified transfer. Immediate, जो हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, ऊपर वाली definition ने भी इसको highlight किया कि आपको जो transfer करना है वो immediate करना है, ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या है, वो अनक्वालिफाइड ट्रांसफ़र होना चाहिए. अनक्वालिफाइड का मतलब और कुछ नहीं बट अनकंडीशनल है, बिना किसी कंडीशंस के आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे इंसान को दे देते हैं, वो क्या होगा, वो हिबा होगा, ठीक है. ऑफ द कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी, की जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपने इमीडिएटली बिना किसी कंडीशन के किसी और इंसान को दे दी है और बदले में आपने कुछ नहीं लिया, ना कोई मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स जैसे पैसा या कोई और भी किसी तरीके का बेनिफिट, या फिर आपने कुछ एक्सचेंज नहीं किया है. अगर इन कंडीशंस को आप फुलफिल कर देंगे तो वो जो ट्रांसफ़र होगा, जो आपने प्रॉपर्टी किसी और को दी है, तो वो हिबा कहलाएगी, ठीक है, ओके. नाउ तो जो ये ऊपर की दो डेफिनेशंस पड़ी हैं, तो अगर इनका हम एक तरीके से जिस्ट देखें, ठीक है, या फिर आपको किसी को बताना है कि मुस्लिम लॉ के अंडर गिफ्ट किसे कहते हैं या गिफ्ट की क्या असेंशियल कंडीशंस हैं, तो पहला क्या होगा कि वो वॉलेंट्री होना चाहिए. जब मैं ये कहती हूँ कि कोई भी ट्रांसफ़र अगर वॉलेंट्री ट्रांसफ़र है, इसका मतलब आपने अपनी मर्जी से वो ट्रांसफ़र किया है, आउट ऑफ योर ओन विल, आपके ऊपर किसी तरीके का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, आपके ऊपर कोई कोर्शन यूज़ नहीं किया गया, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं यूज़ किया गया, आपको मैनिपुलेट नहीं किया गया, आपने अपनी मर्जी से किया है उस ट्रांसफ़र को, ठीक है. अगर किसी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज होता है या ज़ोर ज़बरदस्ती से ट्रांसफ़र कराया जाता है, तो फिर वो गिफ्ट नहीं होगा. तो सबसे ज़रूरी है कि आपकी इंटेंशन थी देने की किसी को. अगर आपकी इंटेंशन नहीं थी किसी को देने की, ठीक है, आप या तो क्रेडिटर्स से बच रहे थे या फिर आपने टैक्स बचाने के लिए वो गिफ्ट किया, तो ये सब क्या है, आपने अपनी मर्जी से, आपका इंटेंशन नहीं था वो देने का,
ठीक है, इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि आपका इंटेंशन एक्चुअली किसी को गिफ्ट देने का नहीं था, आपका इंटेंशन क्या था, आपका इंटेंशन उस प्रॉपर्टी को अगेंस्ट या तो मे बी द क्रेडिटर्स से बचाने के लिए किया था जिनके जिनका कर्ज आपके ऊपर है, ठीक है, या फिर और भी इसी तरीके से आपकी कोई लाइबिलिटी थी टैक्स से बचाने के लिए आपने प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट दे दी, अगर इस तरीके का चीज़ें नज़र आती हैं देखे जाती है तो वो वॉलंटरी ट्रांसफ़र नहीं होता है. तो वॉलंटरी मीन्स आउट ऑफ योर ओन विल एंड यू हैड एन इंटेंशन टू डू दैट ट्रांसफ़र. सेकेंड अनकंडीशनल, जो हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हो पर कोई कंडीशंस आपने अटैच नहीं किए, ठीक है. अब मान लीजिए किसी को आपने कहा कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी लाइफ जब तक आप जिंदा रहेंगे ये प्रॉपर्टी आपके साथ रहेगी, उसके बाद ये प्रॉपर्टी एक्स वाई सेट को चली जाएगी. यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक कंडीशन क्रिएट कर दी है कि जब तक वो सामने वाला इंसान जिंदा है तब तक वो प्रॉपर्टी उसके साथ है. तो आपने पूरी तरीके से ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं किया गया, आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र की पर कंडीशंस के साथ की, लाइफ इस्टेट क्रिएट, इसको कहते हैं लाइफ इस्टेट क्रिएट कर देना, आपने वो किया है. तो ये क्या है, ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र नहीं है, ये कंडीशनल ट्रांसफ़र है. तो ऐसे कंडीशनल ट्रांसफ़र को हम गिफ्ट नहीं कह सकते, ठीक है. तीसरी चीज़, इमीडिएट ट्रांसफ़र होना चाहिए बाय द डोनर, ठीक है. इमीडिएट ट्रांसफ़र हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि इमीडिएट ट्रांसफ़र क्या होता है. नाउ बाय डोनर, ये जो वर्ड है डोनर, ये कौन होता है? डोनर इज़ द पर्सन हु मेक्स द गिफ्ट. डोनर वो इंसान होता है जो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में किसी और को देता है, दैट पर्सन इज नोन एज डोनर, ठीक है. सो व्हेनेवर अ डोनर मेक्स अ ट्रांसफर वॉलंटरली अनकंडीशनली एंड गिव इमीडिएट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू सम टू द डोनी, नाउ हु इज द डोनी, डोनी इज द पर्सन हु रिसीव्स द गिफ्ट, जिसको गिफ्ट दिया जाता है. तो अगर मेरी प्रॉपर्टी एक्स है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी मेरे फ्रेंड वाई को देती हूँ, तो ये जो फ्रेंड है वो डोनी होगा और मैं डोनर, ठीक है. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है. इफ़ यू लुक एट द सेकंड कंडीशन, देन द सेकंड कंडीशन इज सर्टन स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी. तो जिस प्रॉपर्टी का आप गिफ्ट बनाना चाहते हो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए. इसका मतलब जब आप उस गिफ्ट को दे रहे हैं उस वक्त आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए. अगर आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं तो फिर आप उस प्रॉपर्टी पे गिफ्ट नहीं बना सकते, या फिर अगर आपने ऐसा कर दिया है तो वो जो गिफ्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा. तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, दैट मीन्स द टाइम यू आर मेकिंग गिफ्ट, जिस वक्त आपने वो गिफ्ट बनाया है या किसी को दिया है उस वक्त वो प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, आप उसके ओनर हो. Also, certain specific property. Specific word means that your property, जिसको आप transfer कर रहे हो, वो specified है, उसको ascertain किया जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि ये आपकी property है, ठीक है. तो specific होनी चाहिए. अब मान लीजिए कोई ऐसी property है जिसमें आपका share तो है, share तो है, पर वो share specified share नहीं है, ठीक है, आपको खुद ही नहीं पता है, ठीक है. तो ऐसी प्रॉपर्टी में का आप गिफ्ट नहीं बना सकते. तो योर राइट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है. अगेन, प्रॉपर्टी दोनों तरीके की हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज विदाउट कंसिडरेशन. जब आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आप बिना किसी कंसिडरेशन के दे रह सकते हैं, मतलब आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना पैसा ना और किसी तरीके का बेनिफिट, ना कोई एक्सचेंज, ठीक है. अगर ऐसा हो जाता है तो वो जो ट्रांसफ़र है वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है. और इसको मुस्लिम लॉ में जो ये कंडीशन है इसको बोला जाता है इवाज. ओके, नाउ एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी. आई अपोलोजाइज फॉर द वर्ड डन, इट शुड बी डोनी. तो जो प्रॉपर्टी आपने तो प्रॉपर्टी दे दी, आपकी प्रॉपर्टी थी, आप गिफ्ट में दे रहे हो किसी को, जिसको आप गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे रहे हो उसको भी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर वो उस गिफ्ट को या वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं या मना कर देते हैं तो फिर
वो जो है ट्रांसफ़र है वो गिफ्ट नहीं होगा। तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर इन कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो फिर वो जो ट्रांसफ़र है वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा, वो मुस्लिम लॉ के अंडर हीबा नहीं कहलाएगा, उसको वो कोई और ट्रांसफ़र की कैटेगरी में आएगा, बट उसको गिफ्ट की कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे। तो जो गिफ्ट से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो डोनी का एक्सेप्ट करना उस गिफ्ट को उतना ही ज़रूरी है, ठीक है, जितनी बाकी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो मान ली किसी एक्स ने वाई को गिफ्ट दिया, एक्स ने तो दे दिया कि भाई, एक्स ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अपनी ये जो घर है वो वाई को देना चाहता हूँ, ठीक है, बट वाई ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वाई ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये जो ट्रांसफ़र है ये गिफ्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू सी देयर इज द लास्ट लाइन विच सेज गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन। हमने ये जो दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं और ये जो एसेंशियल कंडीशंस पढ़ी हैं उसमें से अगर आप देखेंगे तो दो बड़ी ही क्लियर कंडीशंस हैं। एक कि जो डोनर है, जिसकी प्रॉपर्टी है जो वो गिफ्ट में देना चाहता है, वो प्रपोजल रखेगा, और जो डोनी है जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता है दैट देयर इज एन ऑफर एंड देन देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। तो मुस्लिम लॉ के अंडर जो गिफ्ट है वो भी उसी लाइंस पे है, इसलिए हमने कहा है कि गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ के अंडर वो कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शन की तरह है कि देयर इज अ ऑफर एंड देन देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर, और देयर इज अ प्रपोजल फ्रॉम द डोनर एंड देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ बाय द डोनी। इफ एनी ऑफ दीज इज मिसिंग देन दैट ट्रांजैक्शन और दैट ट्रांसफर कैन नॉट बी कॉल्ड एज गिफ्ट, ओके। तो ये एक ओवरव्यू था हीबा का, जो कि मुस्लिम लॉ में गिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। अब हमने ये पढ़ लिया, अब हमें कुछ असेंशियल कंडीशंस पता चल गई हैं, और हमें ये भी पता चल गया है कि किन किन कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हीबा है या ट्रांसफ़र हीबा है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि जो ये हीबा का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट कैसे अलग है चैप्टर 7 में जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दिया हुआ है, चैप्टर 7 और जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उससे ये किस तरीके से अलग है। ये विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आया। इफ़ यू लाइक्ड इट लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट व्हाट इज़ इट दैट यू लाइक द मोस्ट, एंड यू कैन ऑल्सो लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर इट, सब्सक्राइब इट। Thank you so much, and I'll see you in the next class.